तो अब हमारे पास नेक्स्ट फीचर है इसके अंदर, जिसका नाम है नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो नेटवर्क और इंटरनेट में क्या चीज़ है, इसमें हमारे पास सीखने के लिए ये है कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं, कितने मेथड्स हैं, स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे, और स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पर आपको बता रहा है कि अभी आपका जो लैपटॉप है वो कनेक्ट है इस हवाई के हमारे वाईफाई से, ठीक है। और ये इंटरनेट का सिंबल है, याद रहे ये इंटरनेट का सिंबल है, ये वाईफाई का सिंबल है, और ये आपका लैपटॉप का सिंबल आ रहा है। तो जो कनेक्टेड है तो ये बता रहा है आपका इससे कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, बता रहा है कि वाईफाई पे कितना डेटा यूज़ हो चुका है, 22.75 GB का डेटा इस पे यूज़ हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, और प्रॉपर्टी पे जाके हम कनेक्ट ऑटोमेटिकली वैन इन रेंज पे अगर क्लिक कर देंगे, तो अगर इस फीचर को हम ले लेंगे तो जब भी मेरा लैपटॉप इस वाईफाई के रेंज में आएगा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मीटर्ड कनेक्शन को अगर ऑन कर देंगे, इफ़ यू हैव अ लिमिट डेटा प्लान एंड वांट मोर कंट्रोल ओवर डेटा यूजेज, मेक दिस कनेक्शन अ मीटर्ड नेटवर्क, सम एप्स माइट वर्क डिफरेंटली टू रिड्यूस डेटा यूज व्हेन यू आर कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क। अगर आपका डेटा लिमिटेड होता है, ठीक है, अगर आपका डेटा जो है लिमिटेड है, फॉर एग्जाम्पल जो आप इंटरनेट के MBs आपने लिए हुए हैं, जो डेटा आप यूज़ कर रहे हैं वो 2 GB, 4 GB, 8 GB, 10 GB, 50 GB है, तो इस फीचर को ऑन कर दें। तो इफ़ यू सेट अ डेटा लिमिट, विंडोज विल सेट द मीटर्ड कनेक्शन सेटिंग्स फॉर योर हेल्प टू स्टे अंडर योर लिमिट। तो आपका लैपटॉप एक लिमिटेड डेटा अमाउंट यूज करेगा, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड खुद ही एप्स को डाउनलोड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो चीज़ होती रहेगी। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे सेट डेटा लिमिट्स के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो अब मेरा जो कनेक्शन है वो लिमिटेड हो जाएगा, जिसके बाद वो अब डेटा को फुल्ली यूज़ नहीं करेगा, लिमिटेड अमाउंट में डेटा को यूज़ करेगा, ठीक है। ये फीचर मैंने कहाँ से ऑन किया था, देखिए स्टेटस में आ गए थे, उसके बाद यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टी में चले गए थे, और उसके बाद यहाँ के मैंने ये ऑप्शन यहाँ से ऑन किया था, और जब चाहेंगे इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पूरे वाईफाई की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ आ रही है, कि जो मेरा वाईफाई है वो जो हॉटस्पॉट है उसका नाम ये है, और उसके अंदर जो IP मुझे मिला हुआ है वो डिटेल यहाँ मिल जाती है मुझे, इंटेल का वायरलेस लैन कार्ड लगा हुआ है, फिजिकल एड्रेस की डिटेल्स, कभी कोई आपसे ये डिटेल मांगे तो कॉपी करके यहाँ से आप डायरेक्टली उसको सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली इस पे कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक कर लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन फिर नीचे आता है, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से स्टेटस पे क्लिक करेंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे शो अवेलेबल नेटवर्क्स पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करके आप देखेंगे कि जितने आपके पास हॉटस्पॉट आ रहे होंगे यहाँ पे उनकी कनेक्शंस दिखाई दे रहे होंगे, और जिसको चाहें आप क्लिक करके यहाँ से उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, और जिसको चाहें आप डिसकनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाएं तो आपको यहाँ पर डेटा यूजेज का ऑप्शन मिलेगा। डेटा यूजेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब तक जितनी एप्स ने जितना डेटा यूज़ कर लिया होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब क्रोम पर जो डेटा यूज़ हो चुका है अब तक 17.63 GB डेटा इंटरनेट से यूज़ कर चुके हैं, 215 MB जूम ने, कोड ने, 208 MB टैब 9 ने, और सब मुख्तलिफ ऐप्स का मुख्तलिफ आ रहा है, आपके सामने डिटेल्स आ रही हैं सबकी, ठीक है। अगर आप इसको रीसेट कर देंगे तो ये दोबारा से रीसेट हो जाएगा, ठीक है, और अब दोबारा से उसके ऊपर वो काम करना शुरू करेगा, रिकॉर्ड करना शुरू करेगा। ये आ गया लिमिट का ऑप्शन, इंटर लिमिट कर देंगे तो मिसाल के तौर पे कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है मंथली, वन टाइम, अनलिमिटेड, मतलब अगर मैं अपने लैपटॉप पर कोई लिमिट लगाना चाह रहा हूँ कि मेरा लैपटॉप जो है वो मंथली कितना डेटा इस्तेमाल करे, यहाँ पे बता देता हूँ भाई, मंथली वो जो है 2048 MB, इसका मतलब हो गया 2 GB, मैं डायरेक्टली 2 GB भी लिख सकता हूँ, डायरेक्टली 5 GB भी लिख सकता हूँ, और उसको मंथली रीसेट डेट कर देता हूँ पहली तारीख, कि मेरा लैपटॉप मेरे वाईफाई से डेली सॉरी मंथली 5 GB का डेटा एक्सेस करे, और मंथ की डेट स्टार्ट कर रहा हूँ किससे, 1 से, अगर मैं चाहूँ तो 10 से भी कर सकता हूँ, 10 to next 10 तक 30 दिन में मेरा लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ 5 GB का डेटा यूज कर सकेगा, कितना, 5 GB, 5 GB, ठीक है, और सेव कर दूंगा। अगर इससे ऊपर यूज करने की कोशिश करेगा तो कहेगा यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, ये सेट हो गया डेटा लिमिट्स। अब मैंने इस ऑप्शन को आपको बताया था कहाँ से ऑन करना है, इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए यहाँ प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, और यहाँ से जाके इसको क्या करना पड़ेगा, ऑन हो गया ऑलरेडी, ठीक है।
अब मैं ऑन दिखा रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से अब आपके वाईफाई का जो यूजेज है वो लिमिटेड रहेगा। मतलब आपको लगता है कि मेरा डेटा ज्यादा यूज हो जाएगा तो आप उसको लिमिट भी कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में करेंगे जब आपके पास कुछ लिमिटेड डेटा हो, जैसे आप 50 GB खरीदते हैं, 40 GB खरीदते हैं, 30 GB, तो ये काम इस तरह से बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लिमिट्स हटानी है तो लिमिट्स हटाने के लिए दोबारा से आपको यहाँ जाना है, और ये तो चेंज डॉक्टर सेटिंग्स में चलेगा, ठीक है। कहाँ थे, डेटा यूजेज में जाना है। डेटा यूजेज में जाने के बाद और यहाँ से हमें करना है रिमूव लिमिट, और रिमूव कर देना है लिमिट्स को। जैसे ही लिमिट्स को रिमूव करेंगे, अब हमारा लैपटॉप अनलिमिटेड डेटा हमारे वाईफाई से या किसी भी हॉटस्पॉट से यूज करने के दोबारा काबिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक करके अगले ऑप्शन पे। शो अवेलेबल नेटवर्क्स बताया था कि जितने हॉटस्पॉट आपके कनेक्टेड होंगे, आ रहे होंगे, सब यहाँ नजर आ रहे होंगे। यहाँ से आप अपने लैपटॉप को किसी भी हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं और उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। इवन दो आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मेरा मोबाइल है, मैं इसका हॉटस्पॉट खोल लेता हूँ। ये मैंने इसको डबल क्लिक अनलॉक किया, और यहाँ से मैं गया पर्सनल हॉटस्पॉट को ऑन किया। मेरे हॉटस्पॉट का नाम जो भी अभी यहाँ नजर आएगा, ये देखिए, इसको मैंने ऑफ किया, इसको मैंने ऑन किया। ओहो, ऑफ करने पे वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके अब देखें मेरा वाला दूसरा हॉटस्पॉट भी आ गया और दीगर हॉटस्पॉट भी आ रहे हैं। मतलब अगर आप घर पर बैठे हुए हैं, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर में वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई चिप होती है जो अगर हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगाएं तो वो भी लैपटॉप की तरह वाईफाई के सिग्नल कैच करना शुरू कर देता है। वो चिप अगर आपको किसी को लेनी हो अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, तो 400 रुपीज़ की मिलेगी अपने पास, ठीक है। वो आप जैसे ही अपने चिप लगाएंगे अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में, तो वो लैपटॉप की तरह और मोबाइल की तरह हॉटस्पॉट को कैच करना शुरू कर देगा। तो फिर वो भी इस तरह के ऑप्शन आपको दिखा रहा होगा। अब जिस भी हॉटस्पॉट पे कनेक्ट करना है, उसका पासवर्ड डाल के आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि अपने कंप्यूटर को पर्सनल मोबाइल से या हॉटस्पॉट से कैसे कनेक्ट करेंगे, डिसकनेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएं, चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स। चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स में एक तरीका तो हम अपने कंप्यूटर को वाईफाई के जरिए कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से, और दूसरा तरीका है ईथरनेट के जरिए कनेक्ट करते हैं। ईथरनेट किसे कहते हैं, आप देखिए मेरे लैपटॉप के पीछे आपको ये पोर्ट नजर आ रही होगी, एक ये वाली पोर्ट। ये पोर्ट हर लैपटॉप में होती है और डेस्कटॉप में होती है, ठीक है। मैं अभी इसकी फोटो भी दिखा देता हूँ। ये हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप में होती है, जिसको हम कहते हैं ईथरनेट पोर्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये ईथरनेट पोर्ट आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में दोनों में होती है। इस पोर्ट के जरिए भी हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, हमारा जो मॉडेम होता है वाईफाई मॉडेम या हॉटस्पॉट, उसमें एक साइड ये इधर लगेगा और दूसरा साइड इसका हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, तो हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़ जाएगा थ्रू वायर, ठीक है। मतलब वाईफाई वायरलेस के जरिए और वायर तार के जरिए वो कनेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आगे देखते हैं सेटिंग्स के अंदर हमारे पास जो और ऑप्शंस हैं। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर खोलेंगे। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में हमें बता रहा है कि आपका जो वाईफाई है वो ये है, और इसकी कुछ डिटेल्स वगैरह आपको लेनी है तो यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी हैं, यहाँ जाके आप अपने किसी वाईफाई से आप कनेक्टेड हैं उसका पासवर्ड अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उसके पासवर्ड को भी शो करा सकते हैं। मतलब जैसे आपका खुद का वाईफाई घर पर कनेक्टेड है, पासवर्ड भूल गए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसके पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं, ताकि आप उसका पासवर्ड जान सकें। और इसके अलावा उसकी स्पीड क्या आ रही है, 78 MB/s पे कनेक्ट है, कितनी देर से कनेक्टेड है, इंटरनेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। डिटेल्स में फर्दर और डिटेल्स मिल जाती हैं जो आपकी वाईफाई की आ रही होगी। ओके, नेटवर्क ट्रबल शूटर पे क्लिक करेंगे। ट्रबल शूटर मैंने बताया था, कंप्यूटर के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करने के अमल को ट्रबल शूट कहते हैं। तो ये इसका खुद का एक फीचर है, अगर कभी आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या वाईफाई के कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है, तो इसके जरिए खुद से चेक करके उसको ट्रबल शूट कर सकता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ चलते हैं आगे।
बैक करते हैं स्टेटस के बाद, तो यहाँ पर हमें ये वाईफाई से रिलेटेड कुछ हॉटस्पॉट से रिलेटेड ऑप्शन मिल गए थे नेटवर्क पर, जिसको हमने खूबी देख लिया। अब उसके नीचे आते हैं वाईफाई। वाईफाई को ऑफ करना है अपने लैपटॉप के या डेस्कटॉप के, तो ये डायरेक्टली यहाँ से ऑफ किया जा सकता है और ऑन भी यहाँ से किया जा सकता है। अच्छा, मैं अभी ऑफ नहीं कर रहा हूँ। और अगर हॉटस्पॉट बनाना है अपने इसको, तो यहाँ से इसको ऑन करके हॉटस्पॉट भी बनाया जा सकता है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वाईफाई अभी सिग्नल कैच कर रहा है वो खुद हॉटस्पॉट बन जाए, तो इसको यहाँ से ऑन करके हम अपने उसको हॉटस्पॉट बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ईथरनेट की कनेक्टिविटी के बारे में जानना है, क्या मेरा कंप्यूटर या लैपटॉप वायर नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ पर अगर नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ रहा है, इट मीन्स कि वो कनेक्टेड नहीं है, और अगर कनेक्ट होगा तो वो कनेक्टेड है। इसके बाद यहाँ डायलअप पे क्लिक करते हैं। अच्छा, डायलअप के लिए हम आज से 10, 15 साल, 20 साल पहले यूज़ करते थे इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए डायलअप का। अब इसका यूज़ नहीं है, ऑप्शन दे रखा है, तो बहरहाल अब इसका कोई इस्तेमाल है नहीं। VPN, अलाउ VPN ओवर मेटेड, अलाउ VPN वाइल रोमिंग। VPN को हम ऑन कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, तो यहाँ पर जैसे इसको ऑन करेंगे VPN को यहाँ से तो ये ऑन हो जाएगा और ये हमें नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ से बैक करते हैं। एरोप्लेन मोड, एरोप्लेन मोड मतलब अगर आप अपने नेटवर्क से इसको डिसकनेक्ट करना चाह रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो जैसे इसको ऑन करेंगे ये वाईफाई ऑफ हो जाएगा, फिर जैसे इसको ऑफ करेंगे वाईफाई ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से इस पे भी हम कर सकते हैं जी। देखो, VPN का काम होता है आपको किसी दूसरे कंट्री के नेटवर्क पर कनेक्ट कर देना। मतलब अभी हम यहाँ से पाकिस्तान से कनेक्ट हैं, तो मैं किसी और दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ, तो VPN के जरिए हम उसके कनेक्शन को बना के कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए जी, अरे उसके हॉटस्पॉट पे कनेक्ट नहीं होंगे, उसके सर्वर से कनेक्ट होंगे हम, ठीक है ना। पाकिस्तान के सर्वर से नहीं, हम अमेरिका के सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, UAE के सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसा हम VPN के जरिए कर सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल हॉटस्पॉट है, अगर आप अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट बनाना चाहते हैं, तो जैसे इसको ऑन करेंगे वाईफाई आपका बन जाएगा हॉटस्पॉट। वाईफाई आपका क्या बन जाएगा, फिर आपका लैपटॉप सिग्नल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है। और इसका बैक कर लेते हैं यहाँ से, फिर प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक लिटेटेक सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब ये प्रॉक्सी सेटिंग्स क्या होती हैं? प्रॉक्सी सेटिंग्स आप यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल जब करते हैं जब हमारे बैकएंड पे कोई सर्वर होता है, इनको बोल के आना। इसके बैकएंड पर आपका कोई सर्वर है, जैसे किसी ने सर्वर लगाया हुआ है, फाइल सर्वर है, मूवीज़ का सर्वर है, होम सर्वर है, तो वो अपनी प्रॉक्सी सेटिंग आपके कंप्यूटर पर डाल के देगा, जिसके बाद आप इंटरनेट पर उसके सर्वर के थ्रू जाना शुरू हो जाएंगे। मतलब उसके सर्वर को आप फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये आपके हिस्से का काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको इसलिए कि कोई आपसे कहता है कि प्रॉक्सी सेटिंग्स खोलें, तो प्रॉक्सी सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाती है, ठीक है ना। बाज़ोगत केबल नेटवर्क वालों से जब हम कनेक्शन लेते हैं, तो उसकी प्रॉक्सी सेटिंग की जो बात करते हैं वो यहाँ पर होती है, बाई डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक पे ही रहता है।